ये मैंने ब्राउज़र को ओपन किया, MPBSC ये आपकी जो वेबसाइट है आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ से मैंने फर्स्ट ऑप्शन ही आ जाता है MPBSC का, इसको जब मैं क्लिक करती हूँ तो आपका लर्निंग मटेरियल, यहाँ आपको लर्निंग मटेरियल शो हो रहा है, ठीक है, स्कूल स्टूडेंट टीचर एंड लर्निंग मटेरियल। तो लर्निंग मटेरियल पे जब अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी लर्निंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि बुक्स मिलेंगी PDF फॉर्मेट में, वीडियो मिलेगा, ऑडियो मिलेगा, या प्रश्न बैंक या ब्लूप्रिंट मिलेगी, ठीक है, ब्लूप्रिंट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर्स। अब इसमें से आपको क्या करना है, आपकी क्लास को सिलेक्ट करना है, ओके, जैसे 9th, 10th, 11th एंड 12th, ये जो चार क्लासेज हैं इनके स्टडी मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल हैं, ओके। हम चलते हैं क्लास 12th में, राइट, क्लास 12th के सारे सब्जेक्ट्स आपके पास ओपन हो गए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब अपन क्लिक करेंगे इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस पे, जब मैं इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस पे क्लिक करूँगी तो ये देखिए, ये आपके पास सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको जूम करके थोड़ा सा देख लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, ये आपका है चैप्टर नंबर 1, दैट मीन्स कंप्यूटर नेटवर्किंग, ओके। देन नेक्स्ट चैप्टर है हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। इस तरीके से ये सभी आपके 21 चैप्टर्स जो हैं आपके आपकी बुक में, नितिन के नायक बुक में, उसके अकॉर्डिंग ये सभी चैप्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट। अब जब अपन इन क्वेश्चंस को क्लिक करते हैं, सपोज़ अपन चैप्टर फर्स्ट पे चलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग पे, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका मतलब होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आपके पेपर में जो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, IP का पेपर हम जानते हैं 70 मार्क्स का होता है, 70 मार्क्स में से 20 मार्क्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए होते हैं, ओके। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब है यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। ये जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, इसमें कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है, मतलब कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको। तो बात करते हैं अब ज्ञानपरख प्रश्न की। ज्ञानपरख का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान मीन्स नॉलेज, तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरीके से आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, नेटवर्क को परिभाषित कीजिए तथा इसके उद्देश्य भी लिखिए, हब क्या है, स्विच से कैसे अलग है। तो ये जो क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं ये सभी हिंदी में क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को हमको क्या करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, और क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम में हैं और हमारा जो मीडियम है दैट इज़ इंग्लिश, तो इसलिए हम सभी आंसर्स को इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 के, इसी तरीके से समझ परख जो क्वेश्चन है ये मिलेंगे आपको, नॉलेज सॉरी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 17 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इंटरनेट के क्रमिक विकास को लिखिए, मतलब डेवलपमेंट, ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ग्रेजुअल डेवलपमेंट से हम हिस्ट्री समझ सकते हैं कि इंटरनेट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस तरीके से आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो बोर्ड की वेबसाइट पे हैं, जो बोर्ड ने जारी किए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिले, राइट। अब ये क्वेश्चंस जो हैं हिंदी में हैं, तो मैं आपको चैप्टर 1 के दोनों तरह के क्वेश्चंस, ज्ञान परख और समझ परख, मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और नॉलेज बेस्ड, दोनों तरह के क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ जो कि इंग्लिश में है, मैंने आपके लिए नोट डाउन करके रखे हैं। आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए, आपको जो भी डाउट आता है आप मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।